बसमिन्रहीम जी हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ इनशाइज चैप्टर हमारा टू जारी है मकासद तालीम इसके शॉर्ट और लॉन्ग सवाल छोटी सी मगर बड़ी शानदार एक्सरसाइज़ है छोटी सी साइज़ मुझे बड़ी पसंद है क्योंकि जल्दी वीडियो मुकम्मल हो जाती है पर इस एक्सरसाइज़ में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी हैं जो कि पता नहीं एड क्यों नहीं किए गए तीन इसके अंदर एक्स्ट्रा लॉन्ग भी बनते हैं और मैं बाद में कराता हूँ पहला सवाल जनाब चलते हैं निज़ाम तलीम की तारीफ करें ये शार्ट दो नंबर का आ सकता है और इसके सबसे अहम आंसर की वज़ात करें ये लॉन्ग सवाल बन जाता है अच्छा एक ही लॉन्ग सवाल जो है वो तीन दफ़ा तीन तरीके से एक ही लॉन्ग पूछा गया है मक्का सद तलीम मक्का सद तालीम मक्का सद तालीम तो फिलहाल पहला सवाल देखते हैं निज़ाम तलीम की तारीफ करें और उसके सबसे अहम आंसर का नाम लिखें लॉजी जनाब पहले तो डेफिनेशन आ गई कि निज़ाम तलीम अगर दो नंबर का सवाल आ जाए सर डेफिनेशन लिखने निज़ाम और ये सवाल आता है बोर्ड में बड़ी मरतबा हो चुका है निज़ाम तलीम से मुराद तलीम से मुतलक अनासर का मजमू है अच्छा अजीब बात है कि यहाँ अनासर दी ही नहीं है हालांकि किताब में पूछे गए हैं जो बाहमी तौर पर मरबूत और मुनज़म अंदाज में तससर के साथ साथ मकासद के हसूल के लिए एक यूनट की शक्ल में काम करता है निज़ाम तलीम की इस तारीफ से ज़ाहिर है कि इसमें असल हैसियत मकासद तलीम की है अब जैसा कि सवाल दिया हुआ कि इसके सबसे अहम अंसर की वजाहत करें तो सबसे अहम अंसर तो ख़ुद उसने बता दिया मकाद तालीम है मद तलीम ही निज़ाम तलीम का मरबू सारा आगे लिखना है उसके बाद इसको भी साथ आपने मकाद तलीम को भी लिखना है सारा और ये सवाल आपका ख़त्म हो जाएगा जनाब यहाँ तक चाहता है तक अगर लॉन्ग सवाल आ जाए और वजाहत पूछ अगर शॉट आ जाए तो फिर यहाँ से लेकर और यानी अगर ये पूरा का पूरा सवाल ऐसे ही एज़ इट इज़ आ जाए और हो भी सिर्फ दो नंबर का तो फिर ये पैराग्राफ पूरा रू तक लिख देना आपने यहाँ तक सिर्फ अगर शार्ट आ जाए तलीम के सिवा निज़ाम तलीम से क्या मुराद है तो जो मैंने पहले बता दिया वहाँ तक और अगर इसको इसी सवाल को लॉन्ग वो दे दे तो फिर उसमें मक्का से तलीम भी शामिल करना है और ये सवाल यहाँ पर ख़त्म जाएगा लेकिन अजीब बात है कि ये मक् तलीम दोबारा फिर अलीहदा पूछेगा ये देखें क्वेश्चन नंबर फाइव निज़ाम तलीम है मकासद तालीम के मकाम हैसीयत तो एक्जैक्ट दोबारा फिर यहीं से अब ये डायरेक्ट अब इसमें डेफिनेशन नहीं बतानी डायरेक्ट शुरू कर देना है कि मकासद तालीम क्या चीज़ है सबसे अहम आंसर है उसके बाद चलते जाएँ जी चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते 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 पेज नंबर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा ये जो अगला टॉपिक है बेसिकली अगला शॉर्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के निज़ाम तलीम के ये ओवरऑल पूछा गया था कि मकाद तलीम क्या है अब सवाल है कि पाकिस्तान के जो निज़ाम के तलीम के मकास वो कौन से ये चार हैं अच्छा फिर इसमें एक अजीब है बात जो कि चैप्टर नंबर वन में थी किलहद सवाल पूरा भी पूछा गया और इसी को तोड़ कर सातवाँ आठवाँ और नाव भी बनाया गया और जो दसवां एक्स्ट्रा सवाल मैंने बनाया ये भी इसी का हिस्सा मैं आपको दिखा देता हूँ मका तलीम से क्या मुराद है और पाकिस्तान में निज़ाम तलीम बातों को तो जनाब सब पहले वही बात ये आ गया जी आप यहाँ पर पहले तो डेफिनेशन बतानी है ऊपर से कि मक्से तालीम से क्या मुराद है ये यह वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ तक करना आपने ये तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तब भी यही डेफिनेशन लिखनी है मक्से तालीम से क्या मुराद है उसके बाद डायरेक्ट आपने जनाब यहाँ से स्टार्ट कर देना है पाकिस्तान के तलीम की बुनियादी मकासद चार हैं रूहानी इखलाकी मकसद जेनी इलमी मकसद माशी पेशे वारा मकासद समाजी मकासद ये सवाल बहुत बड़ा है पाँच सफरों का बनता है ये कभी नहीं आएगा उसके बजाय क्या होगा कि ये सवाल इस तरह आएंगे तोड़ के दिए जाएंगे तो मैं फिर वही बता रहा हूँ कि ये जो सवाल नंबर छः असल में वो सवाल नंबर सात आठ नौ और दस को मिला कर बनाया गया तो हम बेहतर अलग अलदा अलद अलद याद करते हैं चारों टॉपिक अगर बोर्ड ने इकट्ठा दे भी दिया तो फिर इकट्ठा कर देंगे वरना ऐसा मुमकन ही होता अलह पूछे जाएंगे तो फिर हम अगला इसका पहला हिसाब मालूम करते हैं रूहानी इखलाकी मकासद ये देख लें इसका पहला है ही रूहानी और अखलाक मकासद नंबर वन रज़ा लाही का असूल मारफ़त इलाही अल्लाह तबारक व तै की अताहत यह भी एक तालीम का मकसद है उसके बाद दीन इस्लाम के मुताबिक फैम और फैम वफराश और बसिरत पैदा करना अखलाक़ हुसन और तस्किया नफ्स और आखरत की फ़िक्र तो ये सवाल यहाँ पर ख़त्म हो रहा है अब इसका जो दूसरा पॉइंट है ज़नी मकासद ये हमारा अगला लांग है ये देख तलीम के ज़िनी और इलमी मकासद की तफसीर बयान करें पेज नंबर सोलह सत्रह तो वो आप इसी का यहाँ से शुरू हो जाएगा मैंने क्वेश्चन एट लिखे हुए यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये जनाब इसका इसका फिर मजीद तीन इसके हिस्से हैं पाँच हिस्से सौरी खुदशनासी है तस्हीर कायनत है तस्व्रम से आगाही है खिलाफत लाई इंसान ज़मीन पर अगर खलीफा बना भेजा गया है तो उस क्यों भेजा गया किस लिए भेजा गया है और उसके क्या उसने सारे काम करने हैं यहां पर ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा तो पहले खुद शनासी के बारे में लिखना है अपने आप को पहचानना खुदी अभी हम पढ़ चुके हैं खुदी की तारीफ अलामा इकबाल ने इसको खुदी का नाम देकर इसको एक अमा के तौर पर इस्तेमाल खुद ही का मतलब अपने आप को पहचानना कि आपका क्या मकसद था आपके अंदर क्या सलाइम तबारक तौवर इलम से आगाही वो तरीक़ा जिसके इलम हासिल हो सकता है हम पहले पढ़ चुके हैं कि सबसे जो ख़ालस इलम है वो वही के ज़रिए पैग़मरम तक आया है खिलाफत अला की म्मेदारियाँ पैचार की म्मेदारियाँ क्या हैं ऐज़ इंसान के अल्लाह ताला के खलीफा होने की वजह से इंसान ज़मीन पर अल्लाह तबारक व का नायब है वाइस कॉलरपू कामलात निजानद खलीफ़ा जब परवरदगार ने फिर से फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना नायब मुकर करने वाला हूँ तो ये नायब है हम लोग मगर इसकाबल पहले बनाया जाए कि आपको जो नायब हों क्यादत आलम की सिलाई पैदा करना और ये सवाल आपका यहाँ पर ख़त्म हो रहा है अब इसी सवाल का जो तीसरा हिस्सा है वो जनाब आपका अगला लॉन्ग सवाल है यह न जी तालीम के माशी और पेशा वाराना मकासद ब यहाँ से आ कर कुछ मैंने लिख दी है चलते जाएंगे इसके अंदर फिर मजीद हेडिंग आ गया तो अब कॉमन सेंस की बात है कि ये जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है ये इतना बड़ा सवाल था कि ये तो आधा चैप्टर से भी ज़्यादा बनता था तो ये कभी ऐसे नहीं आएगा बल्कि वो सवाल नंबर सात आठ नौ या फिर दस की शक्ल में आएगा तो पहले अभी हम नामा सवाल करते जा रहे हैं माशी तरक्की खुशहाली छोटा सा सवाल है माशी खुद कफाल तीन ही पॉइंट थे और ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है अब इसी बड़े सवाल का चौथा ऐसा है जो कि एक्स्ट्रा सवाल मैंने बना दिया है समाजी और काफती मकासद तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर टेन है तालीम के समाजी और काफती मकासद प्यार करें अब यहाँ पर हम दुनियावी जिंदगी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हमें किस तरह मदद दी जा रही है क्योंकि फ़रज़ के पता लग रहा है अफज़ान सेहत के असूलों को फैम सेहत अफियत बहुत बड़ी नहमत है ईमान के बाद जो किसी भी मुसलमान को किसी भी इंसान को दी गई है सासी बसरत शौर पैदा करना निज़ामत अमत मुस्लिमों का तस्वर उजागर करना वहदत नसल इंसानी का तस्वर पैदा करना यहाँ पर यह सवाल आपका ख़त्म हो रहा है अब जनाब एक इंतई अहम सवाल था जो कि है तलीम की इकसाम तो इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया एक आम तलीम से क्या मुराद है और दूसरी प्रोफेशनल एजुकेशन पेश है तलीम से क्या दोनों सवाल इंतहाई अहम हैं दोनों बोर्ड में आ चुके हैं तो जनाब पहले तो आगे कि आम तलीम से क्या मुराद है अच्छा यहाँ पर ये एक्स्ट्रा शार्ट क्वेश्चन भी है यहाँ पर आप नोट कर लें ऐसी तलीम जिसका इतमाम स्कूलों कॉलेजों और दूसरी तलीमी इदारों में किया जाता है ये आप नए मतलब पाकिस्तान बारहवीं जमात में पढ़ें जो मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं दुनियाद्ला देखती जा रही है उसमें भी हमने तलीमे चैप्टर में डेफिनेशन पढ़ी है आम तलीम कहलाती है हर माशर अपनी बकाव के लिए तलीम का इंतज़ाम करता है ये जनाब चलते चलते यहाँ तक आपने लिखना है तो ये अगर शार्ट आ जाए कि आम तलीम से क्या माता अगर लॉन्ग आ जाए तो डेफिनेशन देने के बाद फिर आगे इसकी किस्में बतानी है इब्तदाई तलीम ये भी बोर्ड में शार्ट आ चुका है ानवी तलीम सेकेंडरी ये भी बोर्ड में शार्ट आ चुका है हायर एजुकेशन ये भी बोर्ड में शार्ट आ चुका है तो ये सारे शार्ट मिलाकर लॉन्ग बन जाएगा डेफिनेशन आम तलीम की उसकी इकसाम ये चारन टॉपिक्स थे और ये हमारा एक लॉन्ग बन गया कि आम तलीम और उसके इकसाम पर नोट लिखें अब आखिरी लॉन्ग मारा एक्स्ट्रा बन गया पेशा वराना एजुकेशन प्रोफेशनल एजुकेशन तो उसके भी पहले जब आप डेफिनेशन करेंगे पेशा वराना तलीम क्या होती है अगर दो नंबर का शार्ट आ जाए तो यहाँ तक लिखेंगे आप इंजीनियरिंग मेडिकल ज़रात कामर्स कारोबारी तलीम वगैरह शामिल हैं ये वो तलीम है जो कि इंसान पेशे के तौर पर अपनाता है अपने रात ज़िंदगी बेहतर करता है उसके बग़ैर रोज़मर के काम शोबों में नहीं हो पाते तो यहाँ तक करना है अब जिसके आगे एग्जाम्पल आ गई नंबर वन टेप की तालीम आ गई फिर इंजीनियरिंग आ गई दैन वी हैव एग्रीकल्चर ज़रात खाना पीना उसके बाद तजारती कामर्स लॉक बी बी ए करते हैं एम बी ए करते हैं एम काम कर का रहे हैं लॉ कर रहे हैं एल एल बी कर रहे हैं उसके बाद होम एक्निक्स ख़ुतियों के लिए इतहाई ज़बरदस्त शोब है फिर टीचर्स के लिए भी एलिमेंट्री स्कूल्स बनाए गए हैं उसके बाद दुनिया का फ्यूचर कंप्यूटर एंड आई टी लाहौी दुनिया ग्लोबल विले बन चुकी है बिल्कुल ठीक हो गया और ये शार्ट क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है कि ग्लोबल विलेज से क्या मुराद है तो ये दो लाइनें कि आज के जदीद और में कंप्यूटर और मालूम के तबादला इंतई अमीर बढ़ गया है इसकी वजह से दुनिया के तमाम ममालक एक दूसरे के करीब आ गए हैं और इसी चीज़ को ग्लोबल विलेज कहा जाता है जैसे गाँव में कोई एक वाक्य हो तो पूरे गांव को पता लग जाता है तो दुनिया इस वक्त एक ग्लोबल विलेज है आपने आज कल वो मैच भी फुटबॉल के देखे होंगे और कोई भी रोज़ाना ख़बरें सुनते हैं कोई दुनिया में एक वाक्य होता है थोड़ी देर के बाद पूरी दुनिया में उसकी जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है तो ये सब कुछ इंटरनेट की वजह से मुमकिन हुआ तो हर हाँ चीज़ के फ़ायदे भी हैं उसका इस्तेमाल पर डिपेंड करता है इस्तेमाल क्या हो रहा है ये आगे सवाल आगा कि अगर अगर एक और शार्ट बोर्ड में आ चुका है वट इज़ इंटरनेट तो यहाँ से उसका शार्ट एक्स्ट्रा लिख दें इंटरनेट ने पूरी दुनिया को सड़क करीब कर दिया इसके जरिए मालूम का तबादला हो सकता है अब दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ अच्छा ये दुनिया की लाइब्रेरी सबसे पहले जो इंटरनेट फैला वो लाइब्रेरीज़ ने ही फैलाया था एक नेशनल साइंस फाउंडेशन थी एन एस एफ अमेरिका की उन्होंने पहला एक बड़ा नेट बनाया था जिसको एन एस एफ नेट कहते थे बाद में इसका नाम चेंज करके इंटरनेट कर दिया गया था चूँका मेरी फील्ड कंप्यूटर साइंस भी इसलिए मुझे इसके बारे में अलहमदिल्ला ठीक ठाक मालूम है लॉ जी फिर चैप्टर हमारा मुकम्मल हो गया और उसके बाद जनाब चलेंगे अगले चैप्टर की तरफ चैप्टर नंबर थ्री इसकी जो ऑब्जेक्टिव है मैं आपको अभी करा देता हूँ जो इसका सब्जेक्टिव है मैं आपको एक दो दिन के बाद देता हूँ तो फिर अपना ख्याल रखिए और इंतज़ार कीजिए अगले लेक्चर का